हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप दांगली और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आपको एक्सप्रेस जेएस में मिडिल वेयर कैसे क्रिएट करना है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि मिडिल वेयर क्या होता है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। तो मिडिल वेयर जो होता है, फंक्शन होता है। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन क्रिएट करेंगे। मिडिल वेयर फंक्शन का नाम मैंने यहाँ पे लॉग इन्फो रख दिया। आप इस फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं। फिर इस फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर आपको जाना, यानी कि फंक्शन के पैरामीटर में जाना। यहाँ पर आपको तीन वेरिएबल क्रिएट करना होगा। सबसे पहला जो वेरिएबल होगा वो रिक्वेस्ट वाला आपका जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट होगा। दूसरा वाला जो वेरिएबल होगा वो रिस्पांस वाला जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट होगा। तीसरा जो वेरिएबल होगा वो कॉल बैक फंक्शन होता है, जिसका नाम हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट रखेंगे। और यहाँ पे फंक्शन का जो नेक्स्ट वाला जो ये कॉल बैक फंक्शन है, इसका बॉडी आपको नहीं क्रिएट करना है। उसके बाद हम लोग इस जो करली ब्रैकेट है इसके अंदर जाके एंटर दबाएंगे। अब इस मिडिल वेयर फंक्शन के अंदर जो भी कोड आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख दीजिए। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा जो है मेरा जो कंसोल स्क्रीन होता है उस पर मैं एक आउटपुट मैसेज दिखाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे कि हेलो, फिर मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दिया। जब भी आप अपने मिडिल वेयर फंक्शन के अंदर जो भी कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो लिख लेंगे। उसके बाद आपको अपने मिडिल वेयर फंक्शन के एंड में जाके आपको ये नेक्स्ट वाला जो कॉल बैक फंक्शन इस तरीके से आपको बना देना है। ये काम आपको हमेशा करना है, इस काम को आपको भूलना नहीं है। अगर आप ये काम भूल जाएंगे तो क्या होगा वो मैं इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो ये जो सबसे पहला काम आपका हो गया मिडिल वेयर फंक्शन बनाने का। अब इसको यूज करने के लिए आपको अपने ऐप वाले वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिखना है, डॉट लगाना है, यूज करके एक इनबिल्ट फंक्शन है, आपको इसे कॉल करना होगा। सेमीकॉलन लगाइए। इस फंक्शन के अंदर आप अपने उस फंक्शन का नाम लिखिए जो कि आपका मिडिल वेयर है, जो कि मेरे केस में क्या है, लॉग इन्फो है। और आपको यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, केवल फंक्शन का नाम इस तरीके से लिख दीजिए। उसके बाद जो आपका ये काम हो गया, अब हम लोग अपने इस index.js पेज के अंदर एक राउटिंग का बेसिक सा कोड लिखेंगे। अपने मतलब वेबसाइट के लिए जो इंडेक्स पेज है उसका राउटिंग का कोड हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको ऐप लिखना है, डॉट लगाना है, HTTP का मेथड लिखिए जो कि मैंने यहाँ पे गेट वाला ले लिया। पाथ में मैंने केवल फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया, यानी कि इंडेक्स पेज का राउटिंग वाला कोड लिख रहे हैं। कॉल बैक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन के पैरामीटर में रिक्वेस्ट और रिस्पांस वाला जो वेरिएबल था जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट, वो मैंने क्रिएट कर लिया। और इसके अंदर इस राउटिंग वाले कोड के अंदर भी हम लोग सिंपल सा कुछ आउटपुट में टेक्स्ट दिखा देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे res.send किया, ये वाला कोड मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद जो हम लोग यहाँ पे अपना app.listen करके जो फंक्शन है उसे कॉल करके पोर्ट नंबर अपना वेब सर्वर का सेट कर देंगे, जो कि मैंने यहाँ पे 80 रख दिया। और मेरा ये जो काम था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इस प्रोग्राम को रन करेंगे। रन करने के लिए आपको ऊपर की तरफ जा रहा है, टर्मिनल पे क्लिक करिए, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये टर्मिनल जो है वो ओपन होकर आएगा। इसको हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे जाके आपको नोड मॉल लिखना है, फिर आपको एंटर दबाना, वेट करना है। ये देखिए आपका वेब सर्वर जो है रन होकर आ चुका है। अब अपने कंप्यूटर पे एक वेब ब्राउजर को ओपन करिए। वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में जाके आपको लोकल होस्ट लिखना है और फिर आपको एंटर दबाना है। जैसे आप दबाएंगे तो देखिए आपका ये देखिए वेलकम वाला जो पेज था वो खुल के आ गया। अब अगर आप अपने विजुअल स्टूडियो कोड में वापस जाएंगे, वहां पे अगर आप जो आपका जो कंसोल खुल के आता है उसमें अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो ये देखिए मिडिल वेयर फंक्शन के अंदर जो आपने कोड लिखा था वो एग्जीक्यूट हो गया, वो आपको यहाँ पे आउटपुट में दिखाई दे रहा है। क्योंकि हम लोगों ने कंसोल स्क्रीन पर जो है आउटपुट मैसेज जनरेट किया, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये जो है आपका सबसे पहला काम हो गया मिडिल वेयर फंक्शन बनाने का। अब यहां पर मैं और भी चीजें आपको बताता हूं कि हम लोग यहां पर एक मिडिल वेयर फंक्शन बनाएंगे जो कि रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स को ऐड करेगा और उनके डेटा को हम लोग बाद में आउटपुट में दिखाएंगे। तो ये करने के लिए आपको क्या करना है कि वही सेम काम, सबसे पहले आप फंक्शन बनाइए और उसके बाद मैंने यहां पर जो है अपने फंक्शन का नाम इस बार रख दिया एड डेटा, पैरेंथेसिस लगाइए, करली ब्रैकेट, सेमी कॉलन, करली ब्रैकेट के अंदर जाइए, एंटर दबाइए, पैरेंथेसिस के अंदर जाइए, यानी कि फंक्शन के पैरामीटर में जाइए, वही सेम काम, रिक्वेस्ट वाला ऑब्जेक्ट, रिस्पांस वाला ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट वाला जो फंक्शन है वो बनाना है। इसके अंदर हम लोग सबसे पहले एक जावास्क्रिप्ट का जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम लोग वेयर लिखेंगे और मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम पर्सन रख दिया, कर्ली ब्रैकेट लगाना है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जाइए, एंटर दबाइए। इसके अंदर आपको एक की क्रिएट करना होगा, तो मैंने की का नाम यहाँ पे नेम रख दिया। नेम पर आप क्या वैल्यू देना चाहते हैं, मैंने कहा कि मुझे ये वैल्यू देना है, कॉमा लगाया, दूसरा मैंने की बनाया, इस की पर आपको क्या वैल्यू देना है वो आप लिख दीजिए, मैंने लिख दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर रिक्वेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे, डॉट लगाएंगे। अब इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में हम लोग एक की क्रिएट करेंगे जिसका नाम मैंने यहाँ पे पर्सन रख दिया, और इक्वल टू लगाकर ये जो मैंने अपना जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बनाया था उसको मैं इस की पर स्टोर कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे पर्सन लिख दिया, सेमी कॉलन लगा दिया, मेरा काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद वही काम करना है, एंड में जाके नेक्स्ट वाले फंक्शन को इस तरीके से कॉल कर लेना है। कंट्रोल प्लस दबा के फाइल को सेव करिए। अब आप देखिएगा
कि हम लोग इस वाला जो यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में डेटा ऐड किया उसको मैं यहाँ पर आउटपुट में दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले जैसे ही आपने यहाँ पर देखिए मिडिलवेयर फंक्शन क्रिएट किया तो आपको सेम वही काम दोबारा से रिपीट करना है, आपको ऐप डॉट यूज करके उसे यहाँ पे सेट करना होगा। तो मैंने ऐप डॉट यूज किया, पैरेंथेसिस लगाया, फंक्शन का नाम लिखिए ऐड डेटा था बस, सेमी कॉलन लगाइए। अब हम लोग एक राउटिंग का रूल यहाँ पर लिखेंगे, तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया कोड को, यहाँ से कंट्रोल प्लस वी दबा के मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने जो है लिखा पर्सन लिख दिया। और उसके बाद जो डेटा मेरे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में पर्सन की पर मौजूद है मैं उसे आउटपुट में यहाँ पे दिखा दूंगा। तो इसके लिए मैंने, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे अपने रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में जो डेटा ऐड किया था अपने इस वाले मिडिलवेयर फंक्शन की मदद से उसको मैंने यहाँ पे आउटपुट में दिखा दिया। तो अब अगर आप अपने वेब ब्राउजर पे जाएंगे और एड्रेस बार में जाके लोकल होस्ट के आगे फॉरवर्ड स्लैश लगा के पर्सन लिखेंगे, एंटर दबाएंगे, तो आप देखेंगे जो डेटा आपने मिडिलवेयर फंक्शन की मदद से ऐड किया था वो देखिए आपको यहाँ पे आउटपुट में दिखने लगेगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आप यहाँ पर जितने भी मिडिलवेयर बना रहे हैं वो सबके सब हर बार एग्जीक्यूट होगा जितनी बार आपके वेबसाइट पे क्लाइंट की तरफ से रिक्वेस्ट आएगा। यानी कि चाहे आप ये वाला पाथ अपने एड्रेस बार में लिखिए, चाहे ये वाला पाथ लिखिए, आपका जो जितने भी मिडिलवेयर फंक्शन आप यहाँ पे लिख रहे हो सबके सब एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, कैसे करना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ये सबसे पहले मैं आपको कंसोल दिखा दूं, आप देखिएगा जब मैंने राउटिंग में जो पर्सन वाला पाथ था जब मैंने उसे ओपन किया तो आप देख सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में मेरा जो पहला वाला मैंने मिडिलवेयर बनाया था वो भी एग्जीक्यूट हुआ, साथ में दूसरा वाला भी हुआ। तो ये भी अच्छी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो मैंने नेक्स्ट के बारे में बताया था कि अगर आप नेक्स्ट नहीं लिखेंगे तो क्या होगा वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो मैंने यहां पर देखिए ये जो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है इसको मैं यहां से कमेंट आउट कर देता हूं। अब मैं अपने पेज पर वापस जाऊंगा और पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे कि आपका जो पेज का जो लोडिंग है वो कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा। और इसे हम कहते हैं कि आपका जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल है वो एंड नहीं होगा, वो जाके फंस जाएगा। तो इसीलिए आपको जो नेक्स्ट है वो हमेशा लिखना, उसे आपको भूलना नहीं। आप देखिए अगर आप भूल जाएंगे तो क्या होगा, देखिए पेज लोडिंग लेता ही जा रहा है जबकि सब कुछ हो चुका है। तो इस चीज को आपको यहाँ पे लिखना भूलना नहीं है बिल्कुल भी। कंट्रोल पर सच दबा के फाइल को सेव कर लीजिए, पेज को रिफ्रेश करिए, सब चीजें ठीक हो गई। यहां से इसको बंद कर देते हैं, वापस हम लोग अपने कोड में जाते हैं। यहां पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आप अपने जिस ऑर्डर में अपने मिडिलवेयर को यहाँ पे इस तरीके से सेट करते हैं वो उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होता है। सबसे पहले आपने इसको सेट किया तो ये एग्जीक्यूट होगा, फिर आपने ये सेट किया तो ये एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद आपने यहाँ पे राउटिंग का कोड लिख दिया। अगर आप एक मिडिलवेयर बनाते और उसे अगर आप अपने राउटिंग के कोड के नीचे लिख देते तो वो इन दोनों के एग्जीक्यूट होने के बाद एग्जीक्यूट होगा। यहां पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मिडिलवेयर जो फंक्शन आप बना रहे हैं वो आपको ऐप डॉट यूज से पहले बनाना है। मतलब आप ऐसा नहीं करेंगे कि आपने ऐप डॉट यूज फंक्शन का नाम पहले लिख लिया और इस फंक्शन को बाद में बना रहे, ये काम आपको नहीं करना है। क्योंकि एक्सप्रेस जेएस जो है ऊपर से नीचे की तरफ फाइल को रीड करता है, स्कैन करता है, तो अगर आप नीचे बना देंगे और इसका यूज पहले कर लेंगे तो उससे एरर आएगा। अब अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे मिडिलवेयर फंक्शन जो है वो हर रिक्वेस्ट पर, जो क्लाइंट से आपका रिक्वेस्ट आ रहा है हर रिक्वेस्ट पर एग्जीक्यूट ना हो, आप ये चाहते हैं कि अगर ये पर्टिकुलर पाथ पे रिक्वेस्ट भेजा जाएगा तभी मेरा मिडिलवेयर फंक्शन एग्जीक्यूट हो, तो वो कैसे करना है वो अब हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले यहां पर ऐप डॉट यूज लिखेंगे, यहां पे पैरेंथेसिस लगाएंगे, सेमी कॉलन लगाना है। इसके अंदर सबसे पहले आपको अपना पाथ लिखना होगा जिस पर आप मिडिलवेयर फंक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो मैंने यहां पे लिखा प्रोफाइल लिख दिया, फॉरवर्ड स्लैश लगाया, कॉलन लगा के आईडी लिख दिया, मैंने मतलब एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। और इसमें मैंने एक रेगुलर एक्सप्रेशन वाला जो है रूल लिख दिया, मैंने लिखा कि हमारे पास जो प्रोफाइल का आईडी होगा वो 0 से 3 के बीच में होना चाहिए और जो उसका लेंथ होना चाहिए यानी कि जो डिजिट होगी उसमें नंबर ऑफ डिजिट वो केवल 1 होना चाहिए, मतलब उसमें एक ही होना चाहिए डिजिट, या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, मतलब ऐसा प्रोफाइल आईडी नहीं होगा जिसमें इसकी प्रोफाइल आईडी 12 हो, 13 हो, ऐसा ना हो, सिंगल डिजिट का होना चाहिए। तो मैंने ये लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा के मिडिलवेयर फंक्शन आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। सेम वही प्रोसेस को आपको रिपीट करना है, रिक्वेस्ट वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट करिए, रिस्पॉन्स वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट करिए, नेक्स्ट वाला जो कॉल बैक फंक्शन है वो क्रिएट करिए, कर्ली ब्रैकेट लगाइए, एंटर दबाइए। अब ये आपका मिडिलवेयर फंक्शन बन गया। अब इसके अंदर आप जो भी कोड लिखना चाहते हैं वो आप लिख दीजिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम मैंने यहाँ पे नेम्स रख दिया, इक्वल टू लगाया, और ये आपका एक एरे टाइप का वेरिएबल है। इसमें मैं कुछ लोगों के नाम लिख देता हूँ, मैंने जैसे कि यहाँ पर
मैंने यहाँ पर देखिए 0 से लेके 3 तक का जो है मैंने आईडी लिया, यानी कि टोटल कितने नंबर हो गए, 4 नंबर हो गए। तो यहाँ पे मैं इस एरे में 4 आइटम्स ऐड कर दूंगा, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। तो ये मैंने 4 नाम मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने रिक्वेस्ट वाले जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में एक की बनाएंगे जिसका नाम हम लोग नेम रखेंगे, और उस नेम पर जो है हम लोग एक व्यक्ति का नाम सेट करेंगे। उसका जो नाम होगा वो उस नेम्स करके एरे वाले वेरिएबल के अंदर से आएगा। तो ये करने के लिए आपको ये लिखना है, रिक्वेस्ट लिखिए, डॉट लगाइए, नेम करके की बनाया, इक्वल टू लगाइए, नेम्स करके जो एरे है उसका नाम लिखिए, इसके अंदर जाके आपको रिक्वेस्ट वाले ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, डॉट लगाइए, पैराम्स करके जो ये होता है आपको इसे कॉल करना है। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, अपने यूआरएल में मौजूद जो पैरामीटर्स आप बना रहे, जो वेरिएबल्स बना रहे हैं, उनका डेटा आप रीड कर सकते हैं। और ये भी मैं पहले बता चुका हूँ, जो यूआरएल बिल्डिंग वाला जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने ये बता दिया था आपको कैसे करना है। मैंने यहाँ पे डॉट लगाया, आईडी लगा दिया, मैंने सेमी कॉलन लगा दिया। तो ये देखिए मैंने मिडिलवेयर फंक्शन की मदद से मैंने क्या किया कि एक व्यक्ति का नाम जो है अपने नेम वाले की पर रिक्वेस्ट वाले ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने सेट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसी पाथ के लिए यहाँ पे एक राउटिंग का कोड लिखूंगा और उसके अंदर जो मैंने नाम यहाँ पे सेट किया वो मैं आउटपुट में दिखाऊंगा। तो मैंने यहां से इसको जो है कॉपी कर लिया, यहां पर मैंने Ctrl+V दबा के पेस्ट कर दिया, वही सेम पाथ लिखेंगे जो मैंने यूज वाले फंक्शन के अंदर लिखा था। Ctrl+C दबाया, पाथ को मैंने चेंज कर दिया, फंक्शन वही रहेगा। यहां पर जाके मैं नाम बदल देता हूं कि नेम, ये मैंने कर दिया। तो मैंने मिडिलवेयर फंक्शन की मदद से नाम जो है यूजर का ले लिया और उसको मैंने यहाँ पे राउटिंग वाले कोड के अंदर से जो है आउटपुट में दिखा दिया। Ctrl+S दबा के फाइल को सेव करिए, अपने वेब ब्राउजर पे वापस जाइए। उसके बाद आपको अपने वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में इस तरह का URL लिखना होगा और आपका जो आउटपुट है वो आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे अपने एड्रेस बार में जाऊंगा और यहाँ पर जाके हम लोग प्रोफाइल लिखेंगे, /, लगाएंगे और यहाँ पर 0 से लेके 3 के बीच में एक नंबर लिखेंगे जो कि 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन 4 नहीं हो सकता। तो हम लोग यहाँ पे 0 लिखते हैं, एंटर दबाते हैं। तो यहाँ पर जो एक मिस्टेक हो गया आप देख सकते हैं, आपको जो है नेक्स्ट वाला फंक्शन आपको हमेशा यूज करना, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं किया था। मैं यहाँ पे नेक्स्ट वाला फंक्शन यूज कर लेता हूँ, सेमी कॉलन मैंने लगा दिया। Ctrl+S दबा के फाइल को सेव करिए, वापस अपने वेब ब्राउजर पर जाइए और आप देखिएगा आपको आउटपुट यहाँ पे दिखने लगेगा। अगर मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूं तो ये देखिए ये आ गया, अगर 2 लिख देता हूं तो ये देखिए ये आ गया। और अब देखिए, अब हर रिक्वेस्ट पर जो है आपका मिडिलवेयर फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, अब जब ये वाला पाथ आपके यूआरएल में लिखा होगा तभी आपका ये वाला मिडिलवेयर फंक्शन चलेगा। तो इस तरीके से भी आप मिडिलवेयर बना सकते हैं। यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं, आपका जो यूआरएल में जो पाथ होगा वो ऐसा भी हो सकता है जिसमें कोई वेरिएबल ना हो, जैसे कि मान लीजिए इतना पोर्शन ना लिखा हो, इसको मैं कट कर देता हूं, सिर्फ प्रोफाइल लिखा हो, इस तरह का भी यूआरएल आप बना सकते हैं। मैंने तो वेरिएबल वाला बना दिया था। तो इस तरीके से जो है आपको एक्सप्रेस जेएस में मिडिलवेयर बनाना है और यूज करना है। अब अगर आपका इस वीडियो से हुआ कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।